हेलो स्टूडेंट्स, आपका एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक चल रहा है उसमें आज नेक्स्ट डी टाइप की रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड होती है, ये नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आज चल रही है, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स ऑनली। केवल एल्डिहाइड की रिएक्शंस में यहाँ पर ये टॉपिक शुरू कर दिया है मैंने, इसको आप लर्न करें। इन एल्डिहाइड के रिएक्शंस में मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको रिएक्शन प्रिपेयर करवा रहा हूं, कैनिजारो रिएक्शन। ये एक नया रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन क्या है इसको अपन लर्न करते हैं। आपको सबसे पहले ये याद करना है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड देते हैं। सभी एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं, तो कौन-कौन से एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं ये पहले प्रिपेयर करिए। वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये आप एल्डिहाइड देखिए CCHO फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा। फिर से दोबारा एग्जांपल लिया मैंने, CH3CHO फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। दोबारा से देखिए, ये मैंने लिया HCHO, बोलिए फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बोलिए ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, जिस एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है। इसके लिए आप सुनिए कि एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स जिनमें कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पर ले लिए, इनमें अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इनको अल्काली बेस की प्रेजेंस में जब अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है, दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो देखना, जब मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करता हूं तो H और H देने से ये अल्कोहल बनता है, यहां पे मैंने मीथेनॉल लिख दिया है, ये अल्कोहल बना है। दूसरे एल्डिहाइड का मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, इक्वल कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस एसिड का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है जो एल्काली बेस लिया उसने सोडियम से। इसलिए आप बोलिए कि जब फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को एल्काली बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तब एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन अल्कोहल में और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है, इसी को हम कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। इस कैनिजारो रिएक्शन में हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। अब देखना, फॉर्मल्डिहाइड के साथ मैंने C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। दोनों एल्डिहाइड दो डिफरेंट टाइप के हैं। अब हम ये रिएक्शन अल्काली बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं, तब भी कैनिजारो तो है बट क्रॉस कैनिजारो बोला जाएगा। क्रॉस कैनिजारो इसलिए बोलते हैं कि दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं। यहां पर भी आप देखना, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में और दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। यहां क्रॉस कैनिजारो का मीनिंग हो गया कि दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के हैं। आपको मैंने केवल एल्डिहाइड की रिएक्शंस में कैनिजारो रिएक्शन लग करवाई है। अब मैं नंबर टू नेक्स्ट रिएक्शन में चलता हूं जिसको अपन पढ़ते हैं, टीसेन को रिएक्शन। ये टीसेन
टीसन को रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, इसको आप पढ़ के देखिए। टीसन को अभिक्रिया क्या है, इसके लिए आप बोलना कि एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स जिनमें की अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ये देखिए मैंने लिया है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस टाइप के दो मॉलिक्यूल्स को हम अब हीट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अपन ने केमिजा और रिएक्शन पढ़ी, उसमें भी एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल थे बट उनमें अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। अब हमने दो एल्डिहाइड लिए हैं जिनमें अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जब अपन एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, Al+3 C2H5O का होल थ्राइस एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में जैसे ही अपन ने इसको हीट किया तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन अल्कोहल में, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमने एक बार मैं डायरेक्ट लिखने की बजाय ऐसे समझा दूं आपको कि जैसे ही इसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा और फिर यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हमने यहां पर ये दोनों मॉलिक्यूल नोट कर दिए हैं, यहां अल्कोहल और उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हो जाने से यहां से H2O माइनस हो जाएगा और प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें हम बोलेंगे एस्टर बना है, इसलिए टीसेंको रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो इस H2O के निकल जाने के बाद में ये एस्टर होता है। इथाइल एसिटेट बोलते हैं इसको, एस्टर की प्रिपरेशन है ये टीसेंको। आप अभी केवल एल्डिहाइड के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इन रिएक्शंस में अब अपन थर्ड नंबर टॉपिक में चल रहे हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ अपन करवा रहे हैं और देखना चाहते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। इनमें डिफरेंट रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, इनमें नंबर मैंने फर्स्ट लिया है रिएक्शन विद HCHO वॉल्यूम फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देती है, वो क्या है और कैसे लिखा जाएगा, कैसे डन किया जाएगा, इसको समझिए सीखिए। बोलिए HCHO फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया, बोलिए NH3 के साथ गर्म करेंगे अपन, तब CH2 का होल 6 N4 प्रोडक्ट बनता है। N बोलिए 4 हो गया, C बोलिए 6 हो गया। यहां पर फॉर्मल्डिहाइड की 6 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल से करने पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमाइन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रा एमाइन का एक कॉमर्शियल नेम और भी होता है जिसको हम यूरोट्रोपीन बोलते हैं। यूरोट्रोपीन एक मेडिसिन है जिसका यूज यूरिनल इन्फेक्शन या यूरिनल डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। यूरोट्रोपीन कैसे बना, बोलिए फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करने पर बनता है। इस यूरोट्रोपीन की आपको स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, एक अच्छी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। इसके लिए मैंने देखना ये नाइट्रोजन और इस पर ये लिख दिया मैंने CH2। ये अपने को CH2 टोटल कितने बनाने हैं, 6 बनाने रहते हैं 6। यहां मैंने एक बार ये इसके साथ में N नोट कर दिए हैं, तो बोलिए N कितने बन गए, 4 1 2 3 4। अब इनके साथ अपन ये CH2 लगा देंगे तब अपना फाइनल जो प्रोडक्ट है वो यूरोट्रोपिक की स्ट्रक्चर आ जाएगी। देखिए ये यूरोट्रोपिक की स्ट्रक्चर है। आप इस यूरोट्रोपिन की फॉर्मेशन किससे करेंगे, बोलिए फॉर्मल्डिहाइड प्लस अमोनिया की रिएक्शन से होता है। आप केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं उनमें बी पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, रिएक्शन विद एसिटेट एल्डिहाइड।
अभी तो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन पढ़ी अपन ने, अब मैं एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन दिखा रहा हूं, ये बी रिएक्शन विद CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं अमोनिया के साथ करवाऊं तो देखना ये HNH2 कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, तब यहां पर ऑक्सीजन पर ये H जुड़ जाएगा अमोनिया का और C पर NH2 ग्रुप आ जाता है, तो बोलो CH3CH पर OH और NH, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप से यहां ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बना हुआ है। इसकी स्टेबिलिटी तब होगी जब यहां से ये NH2 है, ये H और OH वाटर के रूप में माइनस हो जाएगा, माइनस H2O करते ही अपने पास जो प्रोडक्ट आया उसको अपन लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड NH, CHO होता तो हम बोलते एसिटाल्डिहाइड, लेकिन O की जगह पे इमीन आ रहा है तो बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का इमीन प्रोडक्ट बना है, इसको आप एल्डामीन भी बोल सकते हैं। ये मैंने रिएक्शन विद अमोनिया का टॉपिक शुरू कर रखा है, इसमें मैं एक रिएक्शन आपको और लर्न करवाऊं कि यदि आपके पास में बेंजाल्डिहाइड है, सपोज C6H5 में CH डबल बॉन्ड O, बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन यदि आप अमोनिया के साथ करवाते हैं तो कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है। मैंने ये अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं प्लस बेंजाल्डिहाइड के तीन मॉलिक्यूल देख रहे हैं यहाँ पे, बोलिए C6H5CHO, C6H5CHO, C6H5CHO। यहाँ ये वाटर के दो मॉलिक्यूल्स तो आप ये देख रहे हैं H2O ये माइनस हो गया, एक H2O का ये मॉलिक्यूल यदि और माइनस कर दिया जाए तो -3H2O के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसको अपन ऐसा लिखते हैं, देखो C6H5CH, C6H5CH और ये डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहां देखिए CH डबल बॉन्ड N और CH डबल बॉन्ड N, इस N पर हमने ये CH लगाया, ये तो जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास बना है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जिसको अपन नेम बोलते हैं हाइड्रो बेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन विद अमोनिया थी, मैंने केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन से स्टार्ट कर रखी है, उनमें नेक्स्ट डी टाइप की रिएक्शन या फोर्थ नंबर रिएक्शन जो आ रही है वो है रिएक्शन विद 1° amine, प्राइमरी एमाइन के साथ अपन एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाना चाहते हैं, इसको पढ़िए। ये स्टूडेंट्स देखिए आपके पास में एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम प्राइमरी एमाइन के साथ में करवाएंगे, तो ये प्राइमरी एमाइन बोलिए RNH2 होता है, RNH2 की रिएक्शन जैसे ही अपन इसे करवाएंगे तो एक बार आप -H2O करके देखिए, H2O माइनस करते ही जो प्रोडक्ट बचा उसको ऐसा लिखते हैं, बोलिए RCH डबल बॉन्ड N R, इसको हमें एजो RCH डबल बॉन्ड N इस टाइप से अपन प्रोडक्ट लिखते हैं, जिसको अपन एजो मीथेन भी बोलते हैं या फिर आप इसको सीफ बेस बोल सकते हैं। ये अपना जो प्रोडक्ट बना है सीफ बेस बोला जाता है इसको, या फिर RRCH N डबल बॉन्ड N, इस प्रकार से अपन लिखते हैं इसको। ये रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन के साथ में एल्डिहाइड था, जिस टाइप से अपन ने केवल एल्डिहाइड की रिएक्शंस पढ़ी है उसी टाइप से अपन अब इसमें केवल कीटोन की रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो डी हेडिंग थी उसको मैंने ई पॉइंट बना दिया, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड की जगह पे लिख रहा हूं कीटोन ओनली, ये कीटोन की रिएक्शन आ गई। तो आपने जब इस कीटोन की रिएक्शन को देखा तो इसमें जो फर्स्ट नंबर रिएक्शन है वो मैंने डाल दी है रिएक्शन विद अमोनिया NH3 के साथ रिएक्शन, NH3 के साथ रिएक्शन अपन ने एल्डिहाइड की भी करवाई थी, लेकिन एल्डिहाइड अलग प्रोडक्ट देता है अमोनिया के साथ में और कीटोन अलग प्रोडक्ट देता है, इसलिए दोनों की अलग अलग रिएक्शन अपन यहाँ पर नोट कर रहे हैं। ये मैंने कीटोन ले लिया
एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन करवा रहा हूं, देखिए ये अमोनिया के साथ में NH3, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जैसे ब्रेक होता है इसमें, तब अपने पास में बोलिए COH और ये NH2, ये प्रोडक्ट अपने पास में अनस्टेबल है, क्योंकि एक कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए H2O- करेंगे। H2O- करने पर जो शेष प्रोडक्ट बच गया है उसको कैसे लिखा जाएगा, CH3 बोलिए C पे डबल बॉन्ड NH, ये O होता तो अपन इसको एसीटोन बोलते हैं, लेकिन अब NH आ गया तो इमीन बोलेंगे साथ में, एसीटो इमीन प्रोडक्ट यहाँ पर अपने पास बना है, इसको आप कीटोमाइन भी बोल सकते हो, कीटोन के साथ में जो प्रोडक्ट एमाइन का है उसको अपन कीटोमाइन भी बोलते हैं, कीटोमाइन या एसीटोइमीन भी प्रोडक्ट है। यहाँ केवल कीटोन की रिएक्शंस में नंबर टू सेकंड नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ में एसीटोन की जो रिएक्शन होती है उसको अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन अपन स्टार्ट करेंगे इसमें एसीटोन की रिएक्शन जब अपने क्लोरोफॉर्म के साथ में करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म का H+ और कीटोन में ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तब देखो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, CH3 C पे अपन यहाँ लिखेंगे OH और यहाँ पे आया CCl3, CCl3 में 1, 2, 3 ये काउंटिंग अपन करेंगे, तब अपने पास में नेम आएगा बोलिए 2-methyl, 1, 2, 3 1-1-1 ट्राइक्लोरो, 1-1-1 ट्राइक्लोरो 2-methyl प्रोपेन में 2-pol है, प्रोपेन 2, आपने कीटोन एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में करवाई है, तब अपने यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है उसका IUPAC नेम है। इसी टाइप से यहाँ कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट्स देती हैं, जो एल्डिहाइड के साथ में है, कीटोन के साथ में है, या फिर अदर रिएक्शंस में अपन बोल सकते हैं उनको, तो इसकी एक अदर रिएक्शन मैं समझा रहा हूँ, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो एक टाइप से पॉलीमर वाले लेसन में आता है, बट चूंकि यहाँ फॉर्मेलिटी डेसिकल डेट अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए पॉलीमराइजेशन का टॉपिक यहाँ पर अपन तैयार कर सकते हैं। देखो एक तो है HCHO फॉर्मेलिटी के लिए अगर 6 मोलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन ईथर की प्रेजेंस में हो, ईथर नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट है यहाँ पर, इसकी प्रेजेंस में अगर अपन करवाते हैं तब अपने पास में C6H12O6 एक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर नेम बोलते हैं फॉर्मोस, ये एक टाइप की शुगर होती है, शुगर का एक टाइप है फॉर्मोस, फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट है फॉर्मोस। मैंने पॉलीमराइजेशन की ये सेकंड नंबर स्टार्ट किया, ये भी आप पे एसीटैल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स का ईथर की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको कैसे लिखा जाता है, इसके लिए देखो 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो ट्राइमर बनेगा, 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो टेट्रामर बनेगा। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH CH CH, अब इसमें प्रत्येक CH पर एक एक कोण है, CH3 है, ये देखो CH3 है, और इसको किससे जोड़ना पड़े, वो एक एक ऑक्सीजन है, तो ये देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये एक प्रकार का ट्राइमर बन गए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ट्राइमर ऑफ एसीटैल्डिहाइड। मान लो कि यही प्रोडक्ट अपने को 4 एसीटैल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का बनाना हो तो अब अपने को इसको टेट्रामर बनाना है, अब CH कितने बना देने चाहिए, देखो 4 बना देने चाहिए, ये 4 CH, प्रत्येक CH पर एक एक CH3 बना देता हूँ, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3,
अब आप इनमें चार ऑक्सीजन बनाएंगे, तो देखिए ये फोर ऑक्सीजन बन गए अपने, इसलिए जो प्रोडक्ट बना वो टेट्रामर ऑफ एसीटेट बनेगा। इस टाइप से ये इजी टॉपिक होता है। पॉलीमराइजेशन की ये रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन की इसमें एक रिएक्शन और भी होती है। अगर आप HCHO फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन फिनोल के साथ में करवाते हैं, तो फिनोल की ये रिएक्शन दो टाइप के प्रोडक्ट देती है। एक तो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH बनता है, और एक फिनोल की ये पैरा पोजीशन पर CH2OH बनता है। इस रिएक्शन को लेडरर मोनासे रिएक्शन बोलते हैं, जो कि अपन ने कौन से वाले रिएक्शन में पहले से पढ़ लिया है, फिनोल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करने पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। इतने को हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल की ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो बोलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल के दो प्रोडक्ट यहां पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में बनते हैं। ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का प्रोडक्ट होता है पॉलीमराइजेशन में। इसी टाइप की कुछ कॉमन रिएक्शंस यहां पर हो सकती है, जैसे PCl5 के रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ, या फिर हैलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ये अदर रिएक्शन में है, पहले आ चुकी है, इसलिए यहां पर कॉमन रिएक्शन मानी जाती है। मान लो कि मेरे पास में ये एसीटैल्डिहाइड है, इस पर मैं हैलोजिनेशन की रिएक्शन करवाऊं, तो सिंपल सी बात है कि यहां हैलोजिनेशन कौन से कार्बन पर होगा, अल्फा कार्बन पर। तो अल्फा कार्बन के सभी हाइड्रोजन इन Cl से आप हटा देंगे, तो जो प्रोडक्ट बचेगा वो इस टाइप का होगा। देखिए इसका नेम बोलेंगे 2-2-2 ट्राइक्लोरो, 1-2-2-2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, या फिर अपन इसको बोलते हैं क्लोरल, एक इंपॉर्टेंट नेम होता है IUPAC के अलावा क्लोरल। इस क्लोरल पर यदि हम ये -3HCl कर दिया, इस पर यदि हमें HONA की रिएक्शन करवाएं, HONA, तो ये CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्रोडक्ट बन गया एक तो, और दूसरा जो प्रोडक्ट इसमें बनेगा वो है HCOONA, बोलिए सोडियम फॉर्मेट और क्लोरोफॉर्म, ये हैलोजिनेशन का प्रोडक्ट बनता है इसमें। आप इसी टाइप की रिएक्शन है कीटोन पर भी करवा सकते हैं। ये देखिए एसीटोन है, इस एसीटोन पर यदि आप हैलोजिनेशन की रिएक्शन करवाएंगे, तो अल्फा कार्बन के सभी हाइड्रोजन Cl से हट जाने पर जो प्रोडक्ट बचा उसको अपन ऐसा लिखते हैं, देखो Cl और Cl 1-2-3, तो बोलिए फर्स्ट कार्बन पर तीन Cl दिख रहे हैं, 1-1-1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन और ओन प्रोपेनॉल, इसमें भी वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अपन प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर CH3COONA सोडियम एसीटेट प्रोडक्ट बनता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस CH3COONA सोडियम एसीटेट। यहाँ मैंने एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करवाई है आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।